सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आगे भी सब बढ़िया रहे। अब गाइस आज के टॉपिक के ऊपर पहले नज़र कर लेते। तो आप लोगों से उससे पहले एक क्वेश्चन था, क्या यहाँ पर आप 6 GB रैम में यहाँ पर फ्री फायर को खेलते हो? चाहे वो यहाँ पर सैमसंग डिवाइस है, ओप्पो डिवाइस है, वीवो डिवाइस है, शाओमी डिवाइस है और अदर जो भी यहाँ पर कंपनी के मोबाइल में आप 6 GB रैम में खेल रहे हो, वो कोई सा भी डिवाइस है, बट 6 GB रैम में खेलते हो और क्या आपसे हेडशॉट लगते हैं? नहीं इसका हमसे तो एक भी हेडशॉट नहीं लगता है। तो क्या सोच क्या रहे हो, आपको हेडशॉट लगाना है? जी हाँ स्काई भाई, हमें तो हेडशॉट मारना है। टेंशन मत लो, चलो आपके लिए यहाँ पर बेस्ट सेंसिविटी इसी वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ और बेस्ट फायर बटन की साइज़ भी प्रोवाइड करता हूँ और DPI लगाना चाहते हो तो DPI भी बताऊँगा। तो अब क्या चाहिए स्काई? भाई अब कुछ नहीं चाहिए, अब जो दोगे ना उसी से यहाँ पर हमारा हेडशॉट तो इंक्रीज हो ही जाएगा। कोई ना चल तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर आपको 6 GB रैम यहाँ पर खेल रहे हो तो 6 GB रैम के यहाँ पर बेस्ट सेंसिविटी मिलेगी, जिससे यहाँ पर आपका ड्रैग हेडशॉट जो वनटेप हेडशॉट है वो कतई यहाँ पर नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाएगा। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो तक देखनी है और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब मार देना, पास में दिखने वाला बेल आइकन है उसको जल्दी से यहाँ पर फोड़ देना है, फोड़ते नहीं हो जिसकी वजह से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो जल्दी से यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन को फोड़ दो और हमारी इस वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। अब गाइज यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्राफिक सेटिंग यहाँ पर सेट करनी होगी। ग्राफिक सेटिंग यहाँ पर आपने अच्छी सेट नहीं की है तो यहाँ पर आपके हेडशॉट इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि हेडशॉट में यह कहीं ना कहीं ग्राफिक सेटिंग भी यहाँ पर एक रोल निभाती है। यहाँ पर आपकी ग्राफिक सेटिंग क्या रहेगी, तो यहाँ पर हमारी जो ग्राफिक सेटिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यहाँ पर 6 GB रैम डिवाइस में खेल रहा है उसका ग्राफिक सेटिंग यहाँ पर उसको अल्ट्रा में खेलना है, हाई रिजोल्यूशन है मतलब कि हाई FPS है उसको भी हाई में सेट करना है, और जो फिल्टर है वो यहाँ पर आप फिल्टर अपने मुताबिक सेट कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पर 6 GB रैम वाले डिवाइस वाले जो भी यहाँ पर प्लेयर है वो यहाँ पर सभी हाई सेटिंग में यहाँ पर फ्री फायर को खेल सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर अब बात करते हैं हमारी सेंसिविटी, जो यहाँ पर 6 GB रैम यहाँ पर डिवाइस में फ्री फायर को खेल रहा है उसकी बेस्ट सेंसिविटी कौन सी रहेगी, तो यहाँ पर आपकी सेंसिविटी में यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पर आपका जनरल वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ, तो आपका जनरल वॉल्यूम रहेगा 97 से 100 के बीच में, मतलब कि यहाँ पर ये जो 3 यहाँ पर जो माइनर में यहाँ पर डिफरेंस दे रहा हूँ उसी 3 की यहाँ पर माइनर डिफरेंस में यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर जनरल सेटिंग यहाँ पर लगा देनी है, 97 लगानी है, 98 लगानी है, 99 लगानी है या फिर 100 लगानी है, ये तीनों में से यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर लगा सकते हो। इसके बाद जो यहाँ पर हम बात करेंगे रेड डॉट के बारे में कि यहाँ पर आपका रेड डॉट कितना रहेगा, तो यहाँ पर गाइस रेड डॉट की बात करूँ तो रेड डॉट यहाँ पर आपका 91 से यहाँ पर 95 तक यहाँ पर सेट करना है, मतलब कि यहाँ पर ये जो मैं डिफरेंस दे रहा हूँ उसमें से यहाँ पर आप कोई भी सेट कर सकते हो, या 91, 92, 93 या फिर 94 या फिर 95, ये यहाँ पर आप कोई भी सेट कर सकते हो। इसके बाद 2x स्कोप की बात कर लेता हूँ, तो गाइज आपका 2x स्कोप रहेगा 80 से 85 के बीच में, जो यहाँ पर मैं रेशियो बता रहा हूँ मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस बता रहा हूँ उसी डिफरेंस के बीच में से यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर जो सेंसिविटी का वॉल्यूम है वो यहाँ पर आपको सेट करना है, मतलब कि यहाँ पर 2x स्कोप 80 से यहाँ पर 85 तक यहाँ पर आपका रहेगा, इसमें से यहाँ पर आप कोई भी सेट कर सकते हो। इसके बाद गाइस बात करते हैं 4x स्कोप के बारे में, तो 4x स्कोप आपका रहेगा 85 से 90 के बीच में, मतलब कि यहाँ पर ये जो मैंने डिफरेंस दिया है मतलब कि ये जो रेशियो मैंने बताया है उसी रेशियो के बीच में से यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर आपको सेट कर देना है। तो यहाँ पर 4x की वॉल्यूम और भी मैं सेट करता हूँ 88। उसके बाद आपका स्नाइपर स्कोप रहेगा 50। यहाँ पर जो फ्री लुक की यहाँ पर सेंसिविटी है वो यहाँ पर आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हो, इसके अलावा यहाँ पर आप मैंने जैसे सेट की 60 वैसे यहाँ पर आप सेट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर मैंने दो चीज़ तो यहाँ पर तुरंत कंप्लीट करवा दी, मतलब कि यहाँ पर आपको ग्राफिक सेटिंग बता दी प्लस यहाँ पर आपको सेंसिविटी बता दी। अब यहाँ पर बात आती है तो किसकी, फायर बटन की साइज़ की, तो यहाँ पर आपका फायर बटन का साइज़ कितना रहेगा वो यहाँ पर आपको मैं चलिए बताता हूँ। तो जाना है अपने कस्टम मोड के सेटिंग में, कस्टम मोड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप मेरा फायर बटन का साइज़ देख सकते हो, मैंने अभी फायर बटन का साइज़ रखा हुआ है 50। तो आपको अपना फायर बटन का साइज़ कितना रखना है, आपका फायर बटन का साइज़ यहाँ पर जो 40 है 40 की साइज से यहाँ पर लेकर यहाँ पर आपको 50 के बीच में या फिर 50 तक यहाँ पर आपको सेट करना है। जो भी यहाँ पर 6 GB रैम डिवाइस में खेल रहा है उसकी फायर बटन की साइज़ रहेगी 40 से लेकर यहाँ पर 50 के बीच में। यहाँ पर आप 50 सेट करना चाहते हो तो 50 भी रख पाओगे, 40 सेट करना चाहते हो तो 40 भी रख पाओगे, और 45 सेट करना चाहते हो तो 45 भी रख पाओगे। तो आपको यहाँ पर जो मैंने डिफरेंस और रेशियो दिया उसी रेशियो के बीच में यहाँ पर अपने फायर बटन की साइज़ को यहाँ पर आपको सेट करना है। तो गाइस यहाँ पर ये तीन चीज़ तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई, मतलब कि एक चीज़ यहाँ पर हो गई आपकी सेंसिविटी, एक हो गई यहाँ पर आपकी ग्राफिक सेटिंग, और यहाँ पर एक हो गई आपकी फायर बटन की साइज़। अब यहाँ पर लास्ट में रही तो कौन सी यहाँ पर, वो है गाइस यहाँ पर DPI। तो DPI यहाँ पर मैं चलिए आपको वीडियो में बताता हूँ। सो गाइज अगर यहाँ पर आप DPI लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी DPI रहेगी 400 से 430 के बीच में। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर डिफरेंस और रेशियो बताया उसी रेशियो के बीच में यहाँ पर आप अपनी DPI सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप डिफॉल्ट DPI में खेलना चाहते हो
तो भी यहाँ पर आप खेल सकते हो। सभी पे आपको इस वीडियो में जो बताना चाहता था यहाँ पर मैंने सभी चीज़ यहाँ पर बता दी। अब यहाँ पर ये सेंसिविटी, ये डीपीआई, ये फायर बटन की साइज और ये ग्राफिक सेट करने के बाद यहाँ पर आपके ड्रैग हेडशॉट और वन टैप हेडशॉट थे यहाँ पर बिल्कुल मेरे जैसे ही लगेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस यहाँ पर आप ट्रेनिंग ग्राउंड, क्लेश कोर्ट या फिर फुल मैप में यहाँ पर कर सकते हो। सभी पे आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, एक शेयर कर दो, जिससे यहाँ पर और कोई 6GB रैम यहाँ पर खेल रहा है आपका फ्रेंड तो उसको भी यहाँ पर बेस्ट हेडशॉट की सेटिंग मिल। और गाइस हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो, पास में दिखने वाला बेल आइकन है उसको यहाँ पर छोड़ो ही मत, उसको यहाँ पर ऑल पे सेट कर दो। इसको यहाँ पर आप छोड़ देते हो जिसकी वजह से आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, इसलिए गाइस यहाँ पर आपको बेल वाला जो नोटिफिकेशन है उसको जैसे भी तैसे भी करके यहाँ पर फोड़ के यहाँ पर ऑल पे सेट कर देना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।